लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्लास टेन का मैथमेटिक्स का मैथ वन का सब में पहला चैप्टर है तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ट्वेल्व मार्क्स के लिए आता है और विद ऑप्शंस ऑप्शन के साथ ये ट्वेल्व मार्क के लिए चैप्टर है तो सब में पहले चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल असल में है क्या यह हम देखते हैं तो सब में पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन कि एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं और देर इज वन अनादर कंडीशन दैट डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी ठीक है तो यहां पर जो है हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कि मैं लेता हूं फाइव एक्स प्लस एट वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं और एक्स और वाई की डिग्री यहां पर कुछ नजर नहीं आ रही है तो यहां पर एक्स और वाई की डिग्री वन होती है इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स इज वन वेरिएबल एंड वाई इज वन अनदर फाइव एक्स प्लस एट वाई प्लस थ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके चलो आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं अब वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं एक्स और वाई हो सकते हैं ए और बी हो सकते हैं एम और एन हो सकते हैं कोई भी जो है अल्फाबेट सिंग जो है स्मॉल लेटर का हो सकता है नाउ नक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर हम देखते हैं कि ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू इथ इज दिस इज अनरल फॉर्म एंड इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ओके स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू जीरो अब यहां पर जो आपको ए बी सी नजर आ रहा है ए बी एंड सी ये जो नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं अब आपको मालूम है रियल नंबर क्या है ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स अब कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं एंड देर इज वन अनदर कंडीशन दैट ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं अब जैसे कि मैं लिखता हूं अंडर रूट टू एम प्लस अंडर रूट थ्री एन इज़ इक्वल टू फाइव अब यहाँ पर देखेंगे m और n दो वेरिएबल हैं जिसका डिग्री वन है और रूट टू रूट थ्री एंड फाइव आर रियल नंबर्स. ओके चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय टू पी प्लस थ्री बाय फोर क्यू प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो दिस इज ऑल्सो अलिनियर इक्वेशन यहां पर पी और क्यू ये दो वेरिएबल हैं और वन बाय टू थ्री बाय फोर ये नाइन ये रियल नंबर्स हैं चलिए और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं अब जैसे कि मैं लेता हूं फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो अब यहां पर देखिए एक्स और वाई वाला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है ठीक है फाइव एक्स प्लस टू वाईज इक्वल टू जीरो तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स हैं फाइव और टू ये रियल नंबर्स हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए यहां पर चलिए कुछ और एग्जाम्पल जो है हम नीचे देखने वाले हैं अब एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ और आपको ये बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है जैसे कि मैं लिखता हूं फाइव अपॉन एम प्लस थ्री अपॉन एन प्लस एलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एम और एन दो वेरिएबल दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एम और एन है इसका डिग्री यहाँ पर अगर एम और एन को ऊपर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा एम रेस टू माइनस एन और ये हो जाएगा थ्री एन रेस्ट टू माइनस वन प्लस एलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो तो अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रही क्यों बोले तो m का डिग्री प्लस वन होना चाहिए माइनस वन है यहां पर इस वजह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है चलिए एक एक्टिविटी करते हैं ये आपकी बुक में दी गई है तो इसी एक्टिविटी को हम देखते हैं अब जैसे कि पहले एग्जाम्पल दी गई है फोर एम प्लस थ्री एन इज टू अब यहां पर आपको पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है तो आप देख रहे हैं यहां पर एम और एन दो वेरिएबल हैं फोर थ्री ट्वेल्व ये रियल नंबर्स हैं इस वजह से ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इस वजह से, यह से यहां पर लिखा गया है यस सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई इजिकल टू थर्टीन अब यहां पर आपको दो वेरिएबल नजर आए एक्स स्क्वायर है वाई है, है लेकिन आप यहां पर गौर करो कि एक्स का डिग्री वन होना चाहिए लेकिन यहां पर एक्स का डिग्री टू है एक्स स्क्वायर है इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर थ्री पर आ जाइए रूट टू एक्स माइनस रूट फाइव टू सिक्सटीन अब यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई आपको नजर आ रहे हैं और उसी तरीके से इनका डिग्री वन भी है रूट टू रूट फाइव और सिक्सटीन ये रियल नंबर्स हैं इस वजह से यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जीरो एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब यहां पर एक्स एक वेरिएबल है वाई एक वेरिएबल है लेकिन स्टूडेंट आप गौर करो कि ऊपर जो डेफिनेशन दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है ए वो जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जीरो एक्स है मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी सिक्स वाय माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो एक्स मतलब जीरो अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल रह गया टू वेरिएबल नहीं है इस वजह से ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहां पर सिंगल वेरिएबल ही है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे एग्जांपल नंबर फाइव के अंदर जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो वाई माइनस थर्टी सिक्स इजिकल टू जीरो चलो यहाँ पर जीरो पॉइंट थ्री एक्स यहाँ पर आप देखते हैं x एक एक्स एक वेरिएबल है जीरो पॉइंट थ्री एक रियल नंबर है बट यहाँ पर वाई का जो कोफिशेंट है वो जीरो है इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी इस दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चलिए अब ऊपर जो एग्जांपल बताया था हमें फोर बाय एक्स प्लस फाइव फाइव बाई वाई इज इक्वल टू फोर है और एक्स और वाई को जब हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो ये हो जाएगा फोर एक्स रेस टू माइनस वन प्लस फाइव वाई रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू फोर अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई तो वेरिएबल हैं लेकिन डिग्री उनकी माइनस वन है इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चलिए एग्जाम्पल नंबर सेवन के अंदर देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स वाई के साथ हैं और यहाँ पर वाई है इस वजह से यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल तो इस तरीके से जो है ये एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि आपको जो है पहचानने आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है तो फिर से एक मरतबा मैं रिकेप्लेन करता हूँ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल का डिग्री वन होता है और वेरिएबल के साथ जो कोफिशियंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं एंड एट द सेम टाइम द कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज ए And the coefficient of y that is b, they are not equal to 0. Ye hona Hope you understood the topic. Okay, thank you for watching our video.